अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि रिसेंटली कुछ पेपर उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि यू कैन अटेम्प्ट पेपर ओनली इन इंग्लिश। तो क्या स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर पेपर दे सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू के अंदर पेपर दिया तो क्या वो सब्जेक्ट उनका फेल हो जाएगा? आज की वीडियो के अंदर तफसील से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब से ही बन चुकी है उसके अंदर मीडियम सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं करती, यानी कि ना बच्चे मीडियम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ना ही यूनिवर्सिटी अपना मीडियम जो है वो आपको बताती है कि आपने पेपर इंग्लिश के अंदर करना है या उर्दू के अंदर करना है। स्टार्ट से ही ऐसा चलता आ रहा है। जिन स्टूडेंट्स की मर्जी होती है वो पेपर इंग्लिश के अंदर करते हैं, जिन स्टूडेंट्स की मर्जी होती है वो अपने पेपर उर्दू के अंदर करते हैं, या असाइनमेंट्स इंग्लिश के अंदर उर्दू के अंदर, दोनों जो है वो स्टूडेंट्स की ही चॉइस होती है। लेकिन पिछले कुछ पेपर्स के अंदर जो है, जिसमें खासतौर पर 63 का मेरे ख्याल में पेपर था, उसके अंदर लिखा हुआ था यू कैन अटेम्प्ट पेपर ओनली इन इंग्लिश, कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही पेपर दे सकते हैं। तो इसके पीछे मसला ये आ रहा है कि जो सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर, यानी जिनकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होती, जिनकी उर्दू की गाइड अवेलेबल नहीं होती, तो वो पेपर भी बच्चे उर्दू के अंदर करके आते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा मसला आता था क्योंकि वो सब्जेक्ट उर्दू के अंदर होता ही नहीं था, तो खुद ब खुद बच्चे उर्दू के अंदर करके आ जाते थे। तो अभी यूनिवर्सिटी इसका ऐसा कर रही है कि वो पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर होता है, जिसको अटेम्प्ट भी सिर्फ इंग्लिश के अंदर किया जा सकता है, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होती, वो आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर करना है। ये मैंने आपको बहुत अरसा पहले ही समझा दिया था। अभी सेकंड, वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर जो है वो इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर होते हैं, यानी कि जिनकी गाइड्स वगैरह अवेलेबल होती है, जिनके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर आते हैं, यानी कि किसी भी हालत में उर्दू में आपको ट्रांसलेशन उसकी मिल जाती है, तो उस पेपर को आप उर्दू के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो पेपर ओनली इंग्लिश का ऑप्शन आया था, इसके हवाले से यूनिवर्सिटी से हमारा रब्ता हो चुका है, उन्होंने कहा कि आप इस पेपर को उर्दू के अंदर भी अटेंड कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू के अंदर अटेंड किया था वो फेल नहीं किए जाएंगे, और इन फ्यूचर जितने भी पेपर होंगे आप इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर अटेंड कर सकते हैं। वहां पर जो सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं उन्होंने बस ऊपर ही रीड किया कि आप इंग्लिश के अंदर अटेंड कर सकते हैं, और बच्चों को यही बता दिया कि आप सिर्फ इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर पेपर जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।